नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारतीय टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है, जिसमें से पहला टेस्ट मैच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में था, जो कि संपूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है। और पहला टेस्ट मैच भारत ने जीत लिया है रिकॉर्ड 295 रनों से, जो कि भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, भारत के बाहर यानी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरी सबसे बड़ी जीत है रनों के मामले में, ये भारत की किसी भी टीम के खिलाफ। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में ये भारत की सबसे बड़ी जीत है रनों के हिसाब से, बहुत ही प्राउड का मोमेंट है। और अब अगला मैच जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 6 दिसंबर को होने वाला है, यानी कि बस अब लगभग 7-8 दिन का टाइम और है, उसके बाद फिर नया मैच होगा। और दोस्तों, ये पहला टेस्ट मैच होगा 2024 में, दूसरा टेस्ट मैच जिसमें इतना लंबा गैप दिया गया है पहले टेस्ट मैच के बाद। जब दूसरा टेस्ट मैच हो जाएगा, उसके बाद जब 3 जो टेस्ट मैच बचेंगे उनके बीच में इतनी डिफरेंस नहीं होगी, मुश्किल से मुश्किल 5-6 दिन, 1 हफ्ते का ब्रेक होगा बस। इस बार बहुत लंबा ब्रेक है, 22 से लेकर वो आपका 25 दिसंबर, 25 नवंबर तक होना था, लेकिन भारतीय टीम जल्दी जीत गई और 4 दिनों में रिजल्ट आ गया। लेकिन अब आगे के मैच जो है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी कमबैक करेगी, भारतीय टीम भी अपनी अच्छी फॉर्म जारी रखेगी, तो लंबे दिनों तक खींच सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 10-12 दिनों का ब्रेक मिलने वाला है भारतीय टीम को, ऑस्ट्रेलियन टीम को, दूसरे टेस्ट मैच से पहले। उसी कड़ी में आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी से भारतीय टीम मिली है। काफी अच्छी बात है, क्योंकि जब पिछली बार भारतीय टीम खेलने आई थी भारत में, माफ कीजिएगा गलत बोल दिया मैंने, ऑस्ट्रेलिया की टीम जब पिछली बार आई 2023 में भारत के खिलाफ खेलने भारत में, तो अहमदाबाद में प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने आकर शिरकत की थी और मैच देखा था, जो कि अहमदाबाद में खेला गया था। वो फाइनल टेस्ट मैच था, वो सीरीज भारत ने 2-1 से जीत ली थी और वो नेक्स्ट मैच ड्रॉ रहा था, जो आखिरी टेस्ट मैच था। 2-1 से भारतीय टीम ने सीरीज जीती थी, 4 मैचों की सीरीज थी। तो इसी प्रकार इस बार भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारतीय टीम को निमंत्रण दिया। और अभी 2 ही 3 दिन पहले रोहित शर्मा पिता बनने के बाद भारत से आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, भारतीय टीम की कप्तानी करने। पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम की कप्तानी की थी, अब दूसरे टेस्ट मैच से लेकर आखिरी टेस्ट मैच तक भारतीय टीम के कप्तान रहेंगे रोहित शर्मा। तो ये भी अच्छी बात है भारतीय टीम के लिए कि एक सीनियर एक्सपीरियंस्ड और काफी अच्छा प्लेयर वापस लौट आया टीम में। अब विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह मिलकर भारतीय टीम को और मजबूती प्रदान करेंगे, जो कि भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में मिस कर रही थी। पहली इनिंग्स में मिस करी दोस्तों, क्योंकि पहले इनिंग्स में सिर्फ 150 रन बने थे, बाकी दूसरी इनिंग में तो भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के धागे खोलकर रख दिए थे। काफी हंसी ठिठोली हुई, हर एक इंडियन प्लेयर को ग्रीट किया वहां के प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के, और रोहित शर्मा ने सबका नाम ले लेकर बताया, विराट कोहली से मिले, जसप्रीत बुमराह से मिले, नितिश रेड्डी से मिले, देवदत्त पडिक्कल से, जितने भारतीय टीम के स्क्वाड थी सबसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मिले। कुछ हंसी मजाक भी हुए और ऑस्ट्रेलिया के असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर विराट कोहली से मिले, सेल्फी भी ली और विराट कोहली की काफी तारीफ भी की रोहित शर्मा के साथ और भारतीय टीम के प्लेयरों के साथ सेल्फी ली ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने। तो पार्लियामेंट में ऑस्ट्रेलिया के रोहित शर्मा ने स्पीच भी दी और जिसको सबने बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से सुना। तो काफी प्राउड मोमेंट था भारतीय टीम के लिए कि ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन में भारतीय टीम को निमंत्रण दिया गया और भारतीय टीम वहां गई और सब काफी अच्छा माहौल था। ये भारत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्ती का एक नया अध्याय कहा जाएगा, क्योंकि जब से एंथनी एल्बनीजी प्रधानमंत्री बने ऑस्ट्रेलिया के, तब से भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध बहुत ही ज्यादा मजबूत हुए हैं। तो ये रहा था आज की वीडियो में, जिसमें मैंने बताया आपको कि भारतीय टीम का हर एक मेंबर मिला ऑस्ट्रेलिया के पीएम से, काफी बातें हुई, क्रिकेट के बारे में चर्चा हुई। और इसके बारे में दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कमेंट किया एक्स पर, एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, अब इलॉन मस्क ने खरीद लिया है, आप सब जानते होंगे। उस पर भारतीय टीम के कप्तान के साथ जो फोटो खिंचवाई थी ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने, उस पर कमेंट, उस पर रीट्वीट की जगह रिपोस्ट करते हुए कहा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि भारत पूरे साथ समता के साथ खड़ा हुआ है, मैन इन ब्लू यानी भारतीय टीम के साथ, और 1.5 अरब भारतीय जो हैं वो भारतीय टीम को सपोर्ट करते हैं। तो काफी अच्छे संबंध रहे क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स के तौर पर भी, पॉलिटिक्स के तौर पर भी,
हर क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कॉपरेशन बढ़ रहा है और ये बढ़ते रहना चाहिए, दोनों देशों के लिए अच्छी बात होगी। तो आज की वीडियो में इसी बारे में था, क्योंकि काफ़ी मेन मुझे न्यूज़ लगी तो मैंने कहा आपको बता दूं। तो कैसी वीडियो लगी आपको कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। मैंने इसीलिए कहा कि मेरे जो ऑडियंस है उनके लिए भाई बता दें, वेट कर रहे होंगे क्योंकि कल वीडियो नहीं आ पाई थी। तो कमेंट में बताइएगा कैसी वीडियो लगी है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इस बार मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं कहा सब्सक्राइब करने के लिए, एंड वीडियो के एंड में कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, और पूरे टेस्ट सीरीज में बने रहेंगे आपके साथ, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, नमस्कार।